अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जितने भी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब का यूट्यूब चैनल है, और हर एक की यही ख्वाहिश है कि क्यों ना हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर व्यूज़ आने शुरू हो जाएँ, हमारा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पर मैं एक ऐसी ही ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आपने जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी जो व्यूज़ हैं उसको आपने कैसे इंक्रीज़ करना है, इसकी एक ट्रिक मुझे पता लगी है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये ट्रिक को शेयर किया जाए और ताकि इसको आप फॉलो करते हुए अपने व्यूज़ को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी पड़ेगी, और कोई पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो लाजमी बात है आप इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से महरूम हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो मेरी वीडियो को जो है ना वो अभी से लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने जा रही है। तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ट्रिक है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी अपलोडेड वीडियोज़ यानी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर व्यूज़ अपने कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो चलें अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Y2 स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप Y2 स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शन है। हमने क्या करना है, व्यू मोर के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ओवरव्यू है, रेवेन्यू है, आपने इनको छोड़ के डिस्कवरी के अंदर जो है वो चले जाना है। डिस्कवरी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इंप्रेशंस है, तो इंप्रेशन क्लिक्स है, ट्रैफिक सोर्स हैं, आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें लास्ट 28 डेज़ का जो डेटा है वो आपको शो हो रहा है, जिसमें न्यू बक्स के नाम से है, इन्फोटेक साइंस के नाम से है, वावे Y86 के नाम से है। तो ये काफ़ी सारे इसमें जो है ना वो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैंने पुरानी वीडियोस जो है ना अपलोड की थी उसके कीवर्ड ये सर्च होते रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा डेटा है, लास्ट 7 डेज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे मेरी जो पहली वीडियो है जैसे हवावे Y6P की, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ऐसी जो है ना वो नीचे कीवर्ड सर्च टर्म के अंदर आए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक आध जो है ना वो सर्च करते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉपी यहाँ से नहीं होगा, आप अपने पास कागज़ के ऊपर जो है वो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो एक इसमें है एड मी फास्ट स्क्रिप्ट 2020, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लिख लेते हैं अपने पास, और हम बैक जाते हैं और वापस जाकर ये वाली जो वीडियो है जिसका ये टर्म है तो उसको हम लोग वहाँ पे जाके टैग्स के अंदर चेंज कर लेंगे। जैसे हम वापस चले गए हैं, अब हम क्या करेंगे, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे ये मेरी जो छठी नंबर की जो वीडियो है इसमें देखो वायरल वाली हाउ टू अर्न, ये जो पॉइंट्स वाली है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऊपर टॉप के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास टैग्स आ जाएंगे, हमने क्या करना है इन टैग्स को नीचे देखना है, यहाँ पर वो चीज़ डाल देनी है यानी एड मी फास्ट स्क्रिप्ट 2020। जैसे ही पहले से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं, एड मी फास्ट स्क्रिप्ट 2020 मैंने लिखा हुआ है, हम इसको दोबारा यहाँ पर जो है ना वो आपके लिए हम लोग ऐड कर देते हैं, एड मी फास्ट स्क्रिप्ट 2020। देख सकते हैं जैसे हम इसको ऐड करने लगेंगे ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी इसमें एडिटेड है। दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल स्पेस ना भी अवेलेबल हो तब भी ये आपके पास एरर शो करता है, लेकिन आपने सबसे पहले अपने लिए जगह बनानी है। जैसे ये देख सकते हैं इसमें स्पेस नहीं थी तो ये इस तरह शो कर रहा है, हम कोई एक आध बीच में कीवर्ड या टैग को डिलीट करेंगे तो फिर ये दोबारा सेव हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, अब मैंने सेव किया तो देख सकते हैं ये एडिटेड कहता है जी सेव। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम और भी जो कीवर्ड्स हैं दोबारा उसी जगह पर जाएंगे, यानी व्यू के ऊपर जाकर, व्यू मोर के ऊपर जाकर टॉप यूट्यूब सर्चेस के अंदर जाएंगे, तो टॉप यूट्यूब सर्चेस के अंदर कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हवावे Y6P जो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी उससे रिलेटेड जो भी सर्चेस आजकल चल रही हैं, जिसमें नीचे अगर आप देख सकते हैं इसमें हवावे Y6P के बारे में है, Y6P की अनबॉक्सिंग के बारे में है कि हवावे Y6P जो है वो उसकी मलेशिया के अंदर क्या है और उसकी अनबॉक्सिंग क्या है, या उसकी बैटरी के बारे में कैसे फॉल्ट्स आते हैं, वो सारे कुछ जो है ना यहाँ से आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अल्टीमेटली जो वीडियो आपके पास
जो आपने यहाँ पर शो हो रही होगी उसके टैग्स में जाकर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने चेंज कर देनी है। इस तरीके से आपके व्यूज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को पसंद आई है वो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।